मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस मॉर्निंग सेशन। आज फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट के एक विशेष क्लास में। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, यानी सीसीई पैटर्न का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये 2009 में लॉन्च किया गया था, सीसीई पैटर्न खास के सीबीएसई बोर्ड ने इसको फॉलो किया था। और ये कब लागू हुआ था? 2009 में। इसका कहते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और ये खास के सीबीएसई बोर्ड यानी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था, और 2009 की बात है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या किस बात पे फोकस दी जाती है, तो आप इसमें देखेंगे, ऑप्शन आपको सामने आएगा कि केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, यानी जो पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित अनुदेश दे रहा है। क्या बी नंबर है, परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने पर बल, यानी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त किया जाए इस पे बल। और अगला है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, बार बार क्या करने वाली, ली जाने वाली परीक्षाएं, यानी बार बार परीक्षाएं ली जाए, क्या इसका यही कॉन्सेप्ट है सीसी पैटर्न का। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, सीसी पैटर्न का आपको पता ही होना चाहिए कि 2009 में जो आया था, इसका मतलब है पूरा फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसका मतलब था कि बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं इससे रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डिस्कस करते हैं शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, कौन सा परिवर्तन हो सकता है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला। तो नंबर एक, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नंबर दो, रटने को प्रोत्साहित करके अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर और परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, यानी क्या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित हो जाएगा, यानी लोग स्टूडेंट जो पूरी तरह परीक्षा के परिणामों पर ही पूरी तरह भरोसा करके पढ़ाई करेंगे, उसके अंदर चाहे मतलब परिणाम अच्छा आ जाए लेकिन उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाए, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए, तो क्या एजुकेशन का कोई बेहतर फायदा होगा। तो पहला कहता है कि क्या किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन हो सकता है। तो बाल केंद्रित पद्धति जो होगा इस पे क्या होगा कि शिक्षण से अधिगम जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकता है, इससे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो देखेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। हमें बाल केंद्रित यानी चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को अपनाना चाहिए, चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो आज चल रहा है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति उसको ज्यादा अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन पे डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं, जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, क्या कारण है, यानी इसके पीछे क्या रीजन है कि जब बच्चा की दादी अब उसकी माँ से बच्चे को गोद में लेती है तो क्या होता है कि बच्चा रोने लगता है। क्या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बच्चों को चिंता सताती है, कौन सी सामाजिक दुश्चिंता, समाज के बारे में तो वो बच्चा जानता ही नहीं है, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता और वियोग दुश्चिंता। अजनबी दुश्चिंता नहीं, अजनबी दुश्चिंता तो मतलब वो दादी को पहले से पहचानता भी है थोड़ा मोड़ा, लेकिन वियोग दुश्चिंता यानी माँ से दूर जाने की जो चिंता है उसको सताती है बच्चे को कि हम अपनी मम्मी से क्या हो रहे हैं, जो माँ है जो हमारी सबसे ज्यादा देखभाल करती है, बच्चे को दूध पिलाने वाला का काम करती है, सबसे ज्यादा केयर करती है, बच्चा पहचान जाता है अपनी माँ को। तो जैसे ही वो बच्चा अपनी दादी की गोद में जाने लगता है या दादी लेने लगती है तो बच्चा को ये चिंता सताने लगती है कि मम्मी मेरी अब मुझसे दूर जा रही है, क्या हो रही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ये हो जाएगा वियोग दुश्चिंता। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, यानी शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, यानी समाजीकरण का क्या लेना देना है, सोशलिज्म का क्या लेना देना है, क्या शिक्षा से कोई समाजीकरण का रिश्ता है या नहीं है, क्या शिक्षा समाजीकरण में हेल्पफुल है या नहीं है। तो पहला कहता है अपने समाजीकरण मापदंड अपनाना, अपने यानी अगर आप शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य रखते हैं कि क्या शिक्षा से समाजीकरण हो सकता है, तो अपना एक समाजीकरण मापदंड अपना लेना पहला ऑप्शन कहता है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, किस प्रकार समाजीकरण आ सकता है कि समाज में अपने बड़ों का सम्मान करना, क्या इससे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, जिस समाज में आप रहते हैं उसको अनुकूल अपने आप को उसमें ढाल लीजिए और अपने आप को उसमें सामंजस्य बैठा लीजिए उसके साथ। अगर आप उसके साथ नहीं बैठा पाते हैं सामंजस्य, आप उसके साथ अडॉप्ट नहीं कर पाते उस समाज में, तो कहीं ना कहीं आप उस सोसाइटी में आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे,
इसलिए समाज के साथ अनुकूलन और समायोजन बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी कहता है सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। क्या सामाजिक मापदंड का सदैव अनुपालन करने से कोई भी काम हो जाएगा? मतलब आप किसी भी एंगल से हर टाइम तो सामाजिक मापदंड का अनुपालन नहीं कर पाइएगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस सामाजिक मापदंड में आप पीछे हैं। तो आपको समायोजन करने के लिए उतार चढ़ाव दोनों ही बातों को देखना होगा, आपको उसके साथ अनुकूलन और समायोजन की जो पद्धति है उसको अपनाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का कि वाई गोस्से की बच्चों के सीखने में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाई गोस्से की एक मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने जो जो थ्योरी दिया उसके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मतलब के बच्चों के सीखने में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। जैसे कि जीन प्याजे ने दिया था, तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का दिया था। संज्ञान कब होता है यानी किसके हिसाब से, एज के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू द मतलब उम्र के हिसाब से देखेंगे तो बच्चों के अंदर जो विकास होता है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो बदलती रहती है, वो जीन प्याजे ने दिया था। लेकिन इसने दिया था वाई गोस्सेकी ने किससे रिलेटेड दिया था, तो आपको समझ में पहले आप जानते भी होंगे कि वाई गोस्सेकी ने जब भी दिया तो वो किससे दिया था कि समाज से रिलेटेड दिया था, यानी समाज में किस प्रकार अंतःक्रिया करके समाज के अंदर कैसे एक बच्चा समायोजन करके अपना विकास कर सकता है, उसका सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, उसके अंदर विकास हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक, अनुवांशिक, शारीरिक, नैतिक। कौन सा जो फैक्टर है जो वाई गोस्सेकी के अनुसार जो इस आपको डिनोट करता है कि बच्चों का विकास, इस फैक्टर के हिसाब से वाई गोस्सेकी ने बताया है। तो आप सभी देख रहे हैं इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सामाजिक कारण। क्या होगा? सामाजिक फैक्टर जो होगा ये, क्योंकि अनुवांशिकता बच्चों के अंदर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे वाई गोस्सेकी से बात आ रही है तो वाई गोस्सेकी ने सामाजिक कारण के बारे में पहले ही चर्चा किया है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी शिक्षक से संबंधित टीचर किस प्रकार का होना चाहिए। टीचर मतलब खूबसूरत होगा तो क्या अच्छी पढ़ाई कर पाएगा, खूब अच्छा पढ़ा देगा? टीचर जो है मतलब खूब मतलब के लंबा चौड़ा होगा तो मतलब अच्छा अच्छा टीचर हो जाएगा? नहीं, टीचर को एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए सबसे अच्छी, कि अधिगम को जो प्रभावित करता है यानी लर्निंग को प्रभावित कर सकता है। यानी एक टीचर है जो टाइम पे जा रहा है लेकिन वो लर्निंग को मतलब कि पढ़ा नहीं रहा, तो क्या मतलब लर्निंग को इफेक्टिव कर सकता है? उसको अपने सब्जेक्ट विषय का नॉलेज नहीं है तो क्या वो अच्छा पढ़ा सकता है? नहीं। बैठने की उचित व्यवस्था, इसका तो कोई टीचर से रिलेटेड है नहीं। बैठने की उचित व्यवस्था तो मतलब मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि वो किस तरह का मैनेजमेंट कर रहे हैं, बैठने का व्यवस्था कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम, संसाधनों की उपलब्धता और विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी शिक्षक से रिलेटेड है। शिक्षक जो है मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें शिक्षक में पाई जाएगी, तो शिक्षण अधिगम। तो शिक्षण अधिगम तो वो लर्निंग प्रोसेस से होता ही है, कोई भी आदमी पढ़ाता है। संसाधनों की उपलब्धता, इसका बेनिफिट कोई भी शिक्षक उठाएगा। लेकिन विषय वस्तु में जो प्रवीणता होगी, इससे ही क्या होगा कि एक शिक्षक के अंदर ये चीज़ पाई जानी चाहिए, यानी अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर उसको पकड़ होनी चाहिए। जब एक शिक्षक को अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगा तो क्या होगा, वो अच्छा पढ़ाएंगे। जैसे विषय वस्तु में प्रवीणता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए डिस्कस करते हैं कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। यानी कोहलबर्ग ने जो बच्चों में नैतिक की जो थ्योरी दी है तो उसमें नैतिकता का विकास बच्चों में किस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। क्या धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, धार्मिक शिक्षा के बारे में स्कूलों में या मदरसों में या कहीं पे भी कोई संस्था में पढ़ाया जाए तो क्या बच्चों के अंदर नैतिकता आ सकती है? प्लस दूसरी बात यह है कि स्कूलों के अंदर या किसी ऐसे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की बात कही ही नहीं गई, हम दे ही नहीं सकते हैं, हम लोग किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए धार्मिक शिक्षा की बात तो हम स्कूल में कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, क्वेश्चन आंसर नंबर बी कहता है कि व्यवहार के स्पष्ट नियम बना दें कि मैं इस प्रकार से आपको व्यवहार करना है, तो क्या बच्चों के अंदर नैतिकता आ सकता है? ज़्यादा कठोर नियम बनाएंगे आप तो बच्चे उसको क्या करेंगे, फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार वो जो है वो नियम आपका फ्लॉप कर जाएगा। सी नंबर कहता है नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोई ऐसी कहानी सुना रहे हैं नैतिक मूल्यों से रिलेटेड,
है ना, जिससे बच्चे उसको सुन भी रहे हैं और उसे समझ भी रहे हैं। तो नैतिक मूल्यों पर जब चर्चा करेंगे, तो उस पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जब उसमें शामिल करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कि नैतिक मूल्य की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, किस प्रकार नैतिक मूल्यों को हमें फॉलो करना चाहिए, समाज में एक जो नैतिक मूल्य है उसका क्या रोल है, इसे समझने के लिए क्या ये जरूरी है या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, कैसे व्यवहार किया जाए इस पर कठोर निर्देश देकर, यानी कैसे व्यवहार करना है, उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश देना है, गाइडलाइन प्रोवाइड करना है बच्चों को, क्या बच्चे फॉलो कर पाएंगे। कठोर की बात जहाँ तक आई तो ये पहले ही छट रहा है, धार्मिक शिक्षा की बात कर रही है तो ये भी छट रहा है, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ज़्यादा कठोर नियम या स्पष्ट नियम बनाने की बात नहीं हो सकती है। तो कह रहा है नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट है। मिलते हैं।